उधर सनशाइन कोस्ट की दूसरी तरफ। तो चलते हैं। हाँ। मेक और अडेल सिबू की एक इमरजेंसी कॉल पर यहाँ पहुँचे हैं। चलो देखते हैं कि हमारा सामना किससे है। वो उस सांप पर पांव रखने से बाल बाल बचे थे जो उनके घर के फ्रंट डेक के नीचे जा रहा था। तो वो लगभग कितना बड़ा था? करीब एक फीट लंबा। करीब एक फीट लंबा और जेट ब्लैक। हाँ, जेट ब्लैक था। कोई बात नहीं, ये थोड़ा मुश्किल काम होगा। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो? ये जगह एकदम सील्ड है, यहाँ से कुछ नहीं दिखता है। यहाँ एक जरा सा गैप है, लेकिन वो यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये बीम काफी सॉलिड है मिक, तो शायद वो डेक के सेक्शन में होगा। एक्सेस पॉइंट ना होने की वजह से हमें कुछ डेक पैनल्स निकालने हैं, तो निकाल लें। हाँ जरूर। मैक और अडेल को इस सांप को पकड़ने के लिए डेकिंग के कुछ हिस्सों को हटाना होगा। कभी इतना काम घर में भी किया है? लेकिन इसकी वजह से सिबू के इस मिस्ट्री गेस्ट को बचने का आसान रास्ता भी मिल सकता है। तो मिक और मुझे बस ये मालूम है कि ये करीब एक फुट लंबा है और इसका कलरेशन डार्क है, तो ये कुछ भी हो सकता है। इस वाइब्रेशन की वजह से वो कहीं और मूव भी कर सकता है, तो जरा ध्यान रखना। हे दोस्त, क्या आप इस डेक के ऊपर जंप करेंगे? हाँ। वैसे भी आप नंगे पैर हैं, तो डेक के ऊपर आप सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और आप उस गैप पर नजर रखिएगा, ध्यान से वो वहाँ है तो नहीं। ठीक ना? है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्या कर रही हो? ओ हाँ, वो यही है। दिखा क्या? हाँ हाँ, ये यकीनन एक रेड बेलीड है। खतरनाक लेकिन शर्मीला रेड बेली ब्लैक स्नेक बहुत ज्यादा परेशान किए जाने पर ही काटेगा। ये सांप छुपने में माहिर होते हैं और खतरे की घंटी बजते ही गायब हो जाते हैं। ये अक्सर लॉग्स में या चट्टानों के नीचे और कभी कभी नेटिव मैमल्स के बिलों में चले जाते हैं। ये एक ऐसी सांप प्रजाति है जो अंडों के बजाय बच्चों को जन्म देती है। छोटे रेड बेली ब्लैक का जहर भी पूरी तरह विकसित वयस्क जितना ही घातक हो सकता है। पता नहीं वो कहाँ गया। गायब हो गया? हाँ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि वो इस बीम के साथ साथ मूव कर रहा था। आपका डेक बहुत खराब हो रहा है, लेकिन हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमें इसे ढूंढना ही होगा। हाँ। अरे दोस्त, कहाँ हो तुम? हाँ, ये यहाँ है। यहाँ? यहाँ, हाँ। हाँ, मुझे उसका सिर दिख रहा है। मिक रेड बेली ब्लैक को दोबारा नहीं खोना चाहते हैं। क्या तुम यहाँ थपथपाओगी? इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वो इस सांप को डराकर डेक के नीचे से बाहर निकाल लेंगे। पकड़ने के लिए तैयार रहना, इस बार हम उसे खो नहीं सकते। हाँ, वो पीछे है। किस तरफ? तुम्हारी तरफ। ओ, रुको रुको, थोड़ा रुको, वो बाहर आना चाहता है, हमें इसका इंतजार करना होगा। ये नन्ना सा सांप कितना स्नीकी है। वाकई वो वहीं था, उसी जगह पर था, लेकिन पता नहीं कहां चला गया। मिक और अडेल के पास इस शर्मीले रेड बेली ब्लैक स्नेक को बाहर निकालने का एक नया प्लान है। ठीक है, तो हम उस तरफ से थोड़ा शोर मचाएंगे और उसे इधर से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम यहां से अपनी नजर नहीं हटा सकते। हाँ, जानता हूँ, चलिए उधर से स्टॉर्म कीजिए सिबू। सांप वाइब्रेशंस के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे मैं किसी स्टेज पर डांस कर रही हूँ। बिल्कुल बेकार डांस कर रही हो। मिक को इस बात की उम्मीद है कि अडेल और सिबू के स्टॉर्म की वजह से रेड बेलीड ब्लैक स्नेक डेक के नीचे से निकलकर उनके पास आ जाएगा। कहाँ हो तुम? उनका प्लान नाकाम रहा और सांप पकड़ने वाले इस कपल के हाथ कुछ नहीं लगा। इतने छोटे से सांप को पकड़ना इतना मुश्किल कैसे हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, अगर मैं एक सांप होती तो कहाँ जाती। हाँ, इसे पकड़ना तो मुश्किल हो रहा है, कहाँ छुपे हो तुम? ये डेक हमारा सबसे खराब नाइटमेयर है। ओ, यहाँ। कहाँ? यहाँ है, वो देखो वहाँ घास में। ओ हाँ, क्या मुझे हुक दोगी? हाँ। रेड बेली ब्लैक स्नेक किसी तरह मेक और अडेल को चकमा देने में कामयाब हो गया और अब वो छिपा है सिबू के गार्डन में। तुमको उधर से कुछ दिख रहा है? नहीं। मेरा हुक दिख रहा है? नहीं। तो वहाँ तक पहुँचा कैसे? ये अच्छा है कि डेक से बाहर है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो वापस डेक के नीचे नहीं चला जाए। तुम उधर से देखो जरा। हाँ, मिल गया, वो यहाँ है। हाँ, यहाँ ठीक है, ठीक है, ध्यान से संभालना। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, वापस डेक की तरफ आ रहा है, इस बार हम इसे नहीं जाने दे सकते। इस तरफ शोर मचाओ। ओ, वो खो गया,
हमें यहीं पकड़ना होगा। रुको, जरा रुको। वो यहाँ है। मैं नहीं चाहता कि वो डेक की तरफ वापस जाए, तो मुझे यहीं रहना होगा। ओ हाँ, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। जल्दी, डेक के नीचे, डेक के नीचे। वो अब इस तरफ जा रहा है। हाँ, यहाँ है। ये रहा। कहाँ? 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 मिक, डेक के नीचे। मिक, डेक के नीचे। इधर आओ। रेड बेलीड ब्लैक स्नेक सिबू के डेक के नीचे वापस चला गया है। ओ, वो बिल्कुल यहीं पर था। इतने छोटे सांप के साथ बहुत मुश्किल होती है। रेड बेली बहुत ज्यादा जहरीला सांप होता है, तो हम उसे आगे जाकर पकड़ नहीं सकते। इसे पकड़ने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, क्योंकि एक बाइट से काम खत्म। अडेल ने हार नहीं मानी है। उनके पास इस सांप को फ्लश आउट करने का एक और प्लान है। आखिर वो गया कहां? और वो इस समय यहाँ कहीं भी हो सकता है। अपना समय लो दोस्त, जब भी तैयार हो बस बाहर आ जाना। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम ऑन, आ भी जाओ। कुछ नहीं मिला, ये गायब कैसे हो जाता है? मुझे लगता है वो यहाँ इसके नीचे है, इसके नीचे है, इस चीज के नीचे है। ओ हाँ हाँ, तुमको हाँ। दिखा? मैं उसे देख सकता हूँ, लेकिन मेरा हाथ अंदर नहीं जा पाएगा। ओ मैन, वहाँ कुछ स्केल्स हैं, वो उस तरफ जा रहा है। देखो वो टिप उस तरफ। हाँ, वो बिल्कुल वही है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। सांप को पकड़ने की दो नाकाम कोशिशों के बाद, बिल्कुल मत हिलना, उसे अपने आप बाहर आने देना। टीम आजमा रही है स्टेल्थ अप्रोच। मुझे लगता है कि अगर हम चुप रहते तो शायद वो बाहर आ जाता, है ना? अब आ भी जाओ। कम से कम हम उसे देख तो सकते हैं। धीरे धीरे आगे आ रहा है। अगर वो उस तरफ आता है डेल, तो जरा सा भी हिलना मत। हाँ, अब उसका सिर बाहर निकल रहा है। उसे बाहर आने दो, बाहर आने दो, पूरा बाहर आने दो, पूरा बाहर निकलने दो पहले। गुड बॉय। अब ये कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं। मैन, तो हमने तुम्हें डेक से पकड़ ही लिया दोस्त। इस डेक से दूर जाओ। ठीक है, बहुत मुश्किल हुई तुम्हें पकड़ने में। मुझे लगा था पता नहीं इस बार क्या होने वाला है। ठीक है, इसे बैग में डालने के बाद थोड़ा सुकून मिलेगा, फिर मिलेंगे दोस्त। थैंक यू सो मच। नहीं, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। ओके। इस 4 घंटे की मैराथन के बाद अब मेक और अडेल आखिरकार इस रेड बेलीड ब्लैक स्नेक को पास के नेटिव जंगल में रिलोकेट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा, ये जगह अच्छी लगती है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि हम नीचे कैसे जाएंगे? देखो, मैं तो यहाँ से कूद रहा हूँ। ओके। तुम क्या कर रही हो? कमांडो रोल। ठीक है, ये जगह तो बहुत ही सही लग रही है। अब उम्मीद है कि ये बैग के अंदर ही मिलेगा। क्या ये अंदर है? प्लीज ये बोलना कि अंदर है। ये इसकी पूंछ है ना? हाँ। ओए ओए, भाई तुमको नीचे ही रहना है। गुस्से में लगता है। अब भी नाराज है? तो आप इसको यहाँ से जाने दें। हाँ बिल्कुल, मैं इसे जंगल में जाते हुए देखने के लिए बेताब हूँ। फिर मिलते हैं, देखो कैसे गायब हो गया। इससे ज्यादा मुश्किल हमें किसी सांप को पकड़ने में नहीं हुई है। हाँ। ना, चलो अब यहाँ से चलते फिर हैं। मिलेंगे दोस्त।